नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें जो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जीएस पॉइंटर घटना चक्र का, वह पढ़ने जा रहे हैं पठार एवं घाटियां पढ़ने जा रहे हैं। आप जान रहे हैं इससे पहले लेक्चर में हमने महाद्वीप और साथ ही साथ कुछ पर्वत श्रृंखलाएं जो अब तक के प्रश्न में बनी हुई हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उनको कम्प्लीट कर लिया था। अब जो हम कम्प्लीट करने जा रहे हैं वो पठार एवं घाटियाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। साथ ही ध्यान रखिए UPPCS BPSC RO सभी की परीक्षाएं लगातार लगी हुई हैं, तो इनको आपको ध्यान में रख के इसको पढ़ाई करनी है। चलिए प्रारंभ करते हैं पठार एवं घाटियों से। तिब्बत के पठार इस समुद्र तल से औसत ऊंचाई है कितनी है? जो तिब्बत का पठार है उसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई के रूप में देखेंगे हम 5 किलोमीटर लगभग आता है। क्या आता है? 5 किलोमीटर तक में सबसे ऊंचा ऊंचा आता है। जामनगर एवं सिंगापुर में से वह पठार पर स्थित नगर है कौन सा है? वह देखेंगे मैड्रिड यानी कि मेसेटा पठार है। अब है संसार की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहे जाते हैं, वह किसे कहा जाते हैं? पामीर के पठार को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? वह तिब्बत का पठार है। पोकोनियो एक्वेरियम कोलोराडो एवं कोलंबिया में से सबसे बड़ा पठार कौन सा है? वह कोलोराडो का पठार है। अब है टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है किसका? वह आप देखेंगे उत्तरी अटलांटिक कटक का है। किसका है? उत्तरी अटलांटिक कटक का है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी कि डेथ वैली अवस्थित है कहाँ? वो है रिफ्ट घाटी में है। किस घाटी में है? वह है रिफ्ट घाटी में है। अब है कि शैतान का गोल्फ कोर्स यानी कि डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी यानी डेथ वैली है अवस्थित है कहाँ? USA में है। मृतक घाटी जानी जाती है किसके लिए? अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। जो मृतक घाटी है जो अमेरिका में है वह किस लिए जानी जाती है? वो आपको मिलेगा कि अपनी उष्णता के लिए जानी जाती है। अब उसके आगे देखेंगे पंजशीर घाटी अवस्थित है कहाँ? वह अवस्थित आपको दिखेगी वो मिलेगी अफगानिस्तान में अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकन वैली अवस्थित है। सिलिकन वैली कहाँ है? वो आपको देखने को मिलेगी कैलिफोर्निया में है। अब है टेलर घाटी अवस्थित है। टेलर घाटी कहाँ अवस्थित है? वह आपको देखने को मिलेगी अंटार्कटिका में है। टेलर घाटी अवस्थित है कहाँ? वह अंटार्कटिका में है। ग्रेट ग्रेट आर्जेंटीन बेसिन अवस्थित है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। बृहत बेसिन अवस्थित है USA में अवस्थित है। कहाँ है? वो USA में है। बृहत बेसिन यानी ग्रेट बेसिन अवस्थित है कहाँ? वो USA में है। अब है राजाओं की घाटी अवस्थित है कहाँ? मिस्र में है। राजाओं की घाटी कहाँ है? मिस्र में है। अंधी घाटी घाटियां पाई जाती हैं कहाँ? पाई जाती हैं वह क्रस्ट प्रदेश में पाई जाती हैं। शुष्क प्रदेश एवं मरुस्थल किसके बारे में? शुष्क प्रदेश एवं मरुस्थल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब है मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत्र हो सकते हैं। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करता है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में प्राप्त कर लेती है। तो दोनों ही सही है, दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहा है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वर्ष
यहाँ वार्षिक वर्षा आप देखेंगे 25 सेंटीमीटर से कम हो। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान मरुस्थल है कहाँ है? वो सहारा मरुस्थल है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? वह थार मरुस्थल है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है आपको देखने को मिलेगा? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल वह आपको है वो है सहारा मरुस्थल है। लेकिन संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले मरुस्थल की बात आएगी तो वो नाम आएगा आपका थार का मरुस्थल नाम आएगा। अब आगे देखते हैं, सही सुमेलित करना है आपको, लेकिन इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सोनू रन कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तकला मकान कहाँ है? वह चीन में है। हो सकता है ये नाम आपको कंफ्यूज करे, तकला मकान चीन में कैसे हो? चीन के नाम तो चिंग चौंग चिंग होते हैं कुछ ऐसे करके। हाँ, एक रील देखा उसमें बता रहा था कि चीन में जब बच्चा पैदा होता है तो टीन के बर्तन को छोड़ा जाता है, उससे जो आवाज निकलती है वो नाम रखा जाता है टन टिंग टन चिंग, इस तरह का हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। लेकिन तकला मकान याद रखिएगा, तकला मकान आपका चीन में है। तकला मकान कहाँ है? वह चीन में देखने को मिलता है। अब है एक काराकुम कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में है। गिब्सन कहाँ है? वो ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन कहाँ है? वो ऑस्ट्रेलिया में है। दस ए लुट अवस्थित है कहाँ? ईरान में अवस्थित है। गोबी मरुस्थल अवस्थित है चीन एवं मंगोलिया में है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा है? वह आपको थार मरुस्थल मिलेगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार मरुस्थल है। इसी मरुस्थल में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, जो डेजर्ट में रहने वाली विश्व की जनसंख्या है उसमें सबसे ज्यादा कहाँ रहती है? वो यही गोबी सॉरी थार मरुस्थल में रहती है। गोबी मरुस्थल चीन एवं मंगोलिया के बॉर्डर में पाया जाता है। दस्तेलुट कहाँ पाया जाता है? वह ईरान में पाया जाता है। अटकामा अटकामा मरुस्थल अवस्थित है कहाँ है? वह आपको मिलेगा उत्तरी चिली में मिलेगा। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में मिलेगा। अब उसके आगे देखते हैं, अटाकामा उत्तरी मरुस्थल जो है पृथ्वी उत्तरी चिली में, अटाकामा याद रखिएगा उत्तरी चिली में मिलेगा। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र जो है वो अटाकामा मरुस्थल है। कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल है। शीतोष्ण कटिबंधी मरुस्थल है कहाँ है? शीतोष्ण कटिबंधी यहाँ बर्फ जमी रहती है वो है पेंटागोनिया का मरुस्थल है, यहाँ कुछ चीज उत्पादन नहीं होता है। सत्य कथन है, क्या सत्य कथन है वो देख लेते हैं। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थली महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक व्यापारिक पवन पट्टियों में पाए जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है कहाँ है? वह है मुक्ता बोत्सवाना नामीबिया एवं दक्षिण अमेरिका में है। गोबी मरुस्थल में स्थित मरुस्थल है वह है गिब्सन है। कौन है? वो गिब्सन है। ग्रेट विक्टोरिया है, पेंटागोनिया है एवं कालाहारी है। अफ्रीका और यूरोप मरुस्थली क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? वह हो सकता है यह उष्ण उच्च दाब कोशिका हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है। पार्ट होल सिंक होल ब्लैक होल एवं प्लाया में से वह स्थली जो काश प्रदेशों में पाई जाती है वह है सिंक होल है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है कहाँ है? वह देखने को मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। काराकुम मरुस्थल स्थित है कहाँ? वो तुर्कमेनिस्तान एवं कजाकिस्तान में है। अब है घास के मैदान, घास के मैदान में देखते हैं क्या क्या है। घास के मैदान और स्थिति देख रहे थे। पेरिस कहाँ है? वह उत्तरी अमेरिका में है।
पंपास या लानोस कहाँ है? वह दक्षिणी अमेरिका में है। स्टेपीज कहाँ है? वह यूरोप में है। वेल्ड कहाँ है? वह आपको देखने को मिलेगा दक्षिण अमेरिका में है। वेल्ड कहाँ है? वह दक्षिण अमेरिका में है। एक बार फिर प्रश्न देखिए, एक तरफ घास के मैदान है और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगी उनकी अवस्थी। ये प्रश्न आपको पता ही है, आपकी बार भी आरओ आरओ में आया था। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी ना कुछ पेटेंट टॉपिक होते हैं जो हर एक परीक्षा से आते हैं, जैसे पर्वतमालाएं, घास के मैदान, ये सब आते हैं। एक नए क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे हर एक परीक्षा में। तो पेरिस कहाँ है? वह उत्तरी अमेरिका में। याद रखिएगा, पेरिस उत्तरी अमेरिका, पंपास या लानोस दक्षिणी अमेरिका, स्टेपीच यूरोप में है, और वेल्ड जो है वो आपको देखने को मिले कहाँ? वेल्ड आपको दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेगा। अब है केनिया, वो है सवाना, अर्जेंटीना पंपास, वेनेजुला लानोस, संयुक्त राज्य अमेरिका येरीज, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, रूस स्टेपीज। तो आपको मैं फिर एक बार बता दूं, देश और घास मैदान, केनिया में जो है सवाना का मैदान है, अर्जेंटीना में आपको देखने को मिलेगा पंपास, वेनेजुला में मिलेगा लानोस, संयुक्त राज्य अमेरिका में पेरिस, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, रूस में स्टेपीज मिलेगा। अब है सवाना का सर्वाधिक विस्तार है कहाँ? वो मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप में, सवाना का विस्तृत जो है मैदान मिलेगा। उसके बाद देखते हैं कि दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृत्त वृक्ष रहित घास मैदान अवस्थित है कहाँ? पंपास है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान अवस्थित है कहाँ? पंपास में है। दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशी घास के मैदान का नाम है क्या है? पंपास है। अब प्रश्न आ रहा है कथन और कारण वाला, कि अर्जेंटीनिया में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, क्योंकि पंपास में उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। देखेंगे दोनों ही सही है और दोनों ही एक दूसरे की सही व्याख्या करता है। अर्जेंटीनिया में पंपास का घास आपने पढ़ा था। सवाना जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, सेल्वास वो आपको देखने को मिलेगा कि उष्णकटिबंधीय वन है, और टैगा जो आपको मिलेगा वो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। अतिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखा, बबूल सहारा, बैओबा सवाना, देवदार जो है वो भूमध्य सागरी है। वनस्पति और प्रकार देख लेते हैं, वनस्पति और प्रकार देख लेते हैं, वो है आप देखेंगे कि मक्ची वो है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में, पिम्स दक्षिणी अमेरिका में, चैपरेल्स कैलिफोर्निया, मैटोरियल देखने को मिलेगा आपको चिली में देखने को मिलेगा। अब यूरोप में पाए जाते हैं स्टेपीज शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, यूरोप में स्टेपीज शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। उसके आगे पराग्वे अर्जेंटीना का है, पराग्वे कहाँ का है? वह अर्जेंटीना का है, सॉरी पराग्वे अर्जेंटीना, बोलीविया एवं उरुग्वे में से किस देश में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं? वो ऑस्ट्रेलिया ने अर्जेंटीना यानी कि उरुग्वे में पाए जाते हैं। किस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? वह उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश कहा जाता है। सवाना की वनस्पतियों में बिखरी हुई छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होता है। ऐसे स्थिति में वन किस ऐसे स्थिति में वन
कि सामान्य वन सामान्यतः एक या एक से अधिक कुछ परिस्थितियों को संजोए संजोने के द्वारा नियंत्रित करता है। ऐसी परिस्थितियां कहलाती हैं अग्नि, चरने वाले तृणभक्षी प्राणी यानी हरनी और मौसम वर्षा आदि हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे विश्व के देश एवं उनकी सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।